Hello dear students, I'm Ranu Malviya, your science teacher from Cabra Memorial Public School, Gardarwara. So yes, aap logo ke midterm exam ho chuke hain and I hope achhe gaye honge aapke exams. Aur yes, to chapter 6 tak ke hum usme include kar chuke hain. Aage hum chapter 7 shuru karenge. To aaj se start hoga hamara chapter number 7. Naam hai Conservation of Plants and Animals. तो कंजर्वेशन का मतलब जैसा कि आप समझते हैं कि संरक्षण करना है ना, जहां पर प्लांट्स और एनिमल दोनों के संरक्षण की बात करेंगे, तो इसके बारे में हम समझना चाहेंगे इस चैप्टर में कि क्या-क्या दिया हुआ है. तो सबसे पहले फर्स्ट माइंड मैप में ये देख लेते हैं फटाफट कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि कंसीक्वेंसेस ऑफ डीफॉरेस्टेशन के बारे में दिया हुआ है. तो डीफॉरेस्टेशन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में दिया कि कैसे-कैसे हो सकता है. सबसे पहले इसके कीवर्ड्स को समझ ले, तो इन वर्ड्स को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा. शुरुआत करते हैं इसके कीवर्ड से. तो जैसा कि इसके कीवर्ड्स ये आ चुके हैं यहां पर देखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है डीफॉरेस्टेशन. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पेज थोड़ा सा ब्लर है इसलिए क्योंकि जिन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट शो किए हैं या मुझे भेजे हैं उन्होंने शायद इसका फोटो ब्लर भेजा हुआ है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. बट यस, आपके पास बुक्स होगी, उन बुक्स में आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा. चलिए आगे शुरू करते हैं डीफॉरेस्टेशन के बारे में. डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एक्सेसिव फॉलिंग ऑफ फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर, लकड़ी के लिए या फिर अपनी जो यूजफुल लकड़ी के लिए एक्सेसिव फॉलिंग ऑफ फेलिंग ऑफ ट्री करना, यानी कि पेड़ों का ज्यादा काटना, एक्सेसिव रूप में काटना या बल्क में काटना, या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज को जब हम काटते हैं तो उसको डीफॉरेस्टेशन बोलते हैं. और यहां पर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट है ना, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. तो यहां पे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, रोड्स एंड हाउसिंग. तो यस, पेड़ काटने के रीजन होते हैं, कहीं पर कॉलोनी बनाई जाती है, बहुत सारे पेड़ इस प्लॉट एरिया में आ जाते हैं तो उनको काट दिया जाता है, रोड्स बनाए जाते हैं, हाउसिंग्स बनाई जाती है, तो यहां पर पेड़ों को काट दिया जाता है. तो जब बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज को जब काट दिया जाता है तो बहुत सारे मात्रा में या फिर बहुत सारे नंबर्स में जब काट दिया जाए उसको डीफॉरेस्टेशन कहेंगे. एक पेड़ को काटने को डीफॉरेस्टेशन नहीं कहेंगे, जब बहुत सारे पेड़ एक साथ काटे जाए तो इसको डीफॉरेस्टेशन कहेंगे, राइट. इसी के तरह एफॉरेस्टेशन भी होता है पेड़ों को लगाना, ना पेड़ों को लगाना, नंबर ऑफ ट्रीज जब बहुत सारे लगाए जाते हैं तो उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं. नंबर ऑफ ट्रीज है ना, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को जब काटा जाएगा तो उसको डीफॉरेस्टेशन बोलेंगे. आगे बात करते हैं यहां पर एंडेमिक के बारे में. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ग्रो इन जस्ट वन ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, जहां पर आप देखेंगे एंडेमिक का मतलब यही हुआ कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जब एक टाइप के ज्योग्राफिकल एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे तो उसको एंडेमिक कहेंगे या एंडेमिक टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल कहेंगे. जैसे कि आप देखेंगे कि जो पोलर रीजन होता है अर्थ का, यानी कि पोल दो पोल होते हैं या दो पोल होते हैं, वो जो अपर पोल होता है वो नॉर्दर्न है ना, नॉर्दर्न पोल कहलाता है, और जो नीचे वाला पोल होता है उसको बोलते हैं साउदर्न पोल. तो नॉर्दर्न पोल में आप देखेंगे कि वहां पर आपको जनरली पूरे अधिकतर 6 महीने बर्फ होती है और वहां आर्कटिक रीजन कहलाता है. तो आर्कटिक रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पर पोलार बियर. तो यस, ये पोलार बियर जो है वो क्या कहलाएगा, वो एंडेमिक कहलाएगा, राइट. तो प्लांट्स एंड एनिमल दैट ग्रो इन वन ज्योग्राफिकल एरिया, एक टाइप का ज्योग्राफिकल एरिया है वो, और वहां पर रहने वाले एनिमल को आप कहेंगे क्या, एंडेमिक कहेंगे, या एक टाइप के प्लांट आपको तो कहते हैं ना, अलग-अलग टाइप के ज्योग्राफिकल एरिया में जिस टाइप के प्लांट को या एनिमल को सूट होगा वो एरिया वैसे वाले वहां पर ग्रो करेंगे, है ना, तो इसी को एंडेमिक कहेंगे. आगे देखते हैं फौना के बारे में. तो फौना रिलेट करता है डायरेक्टली किससे, एनिमल से, और फ्लोरा करता है प्लांट से. देख लेते हैं फौना एंड फ्लोरा दोनों लाइन से दिए हुए हैं. फौना का मतलब होता है ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल दैट लिव इन अ रीजन, एक क्षेत्र में. रीजन का मतलब होता है क्षेत्र. तो एक क्षेत्र में जब डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे तो उसको फौना कहेंगे, है ना, वर्सिटिलिटी, या फिर आप कहेंगे कि डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने के लिए वहां पर मिलेंगे तो उसको कहेंगे आप फौना. और फ्लोरा के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स जो है वो एक ही रीजन में आपको जब देखने के लिए मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, फ्लोरा कहेंगे, ठीक है. तो यस, एक एरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एनिमल्स को फौना कहेंगे, एंड एक ही एरिया में बहुत सारे टाइप के प्लांट जब पाए जाएंगे तो उसको कहेंगे फ्लोरा कहेंगे, राइट. तो फ्लोरा एंड फौना, इसको याद रखिएगा.
उसके बाद में बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। बहुत बार आपने सुना होगा ये वर्ड, अ रीजन ऑफ लैंड और सी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल पार्क क्या है, एक रिजर्व लैंड एरिया है जिसको गवर्नमेंट ओन करेगी, है ना, और गवर्नमेंट इसको चलाएगी, इसकी देख रेख करेगी, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, और बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर चलाएंगे और उससे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये लैंड और सी दोनों में हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, है ना, और इसको गवर्नमेंट ओन करेगी, और इसके अलावा वहाँ पर प्रोटेक्शन का काम होगा एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी। तो जनरली एनिमल्स का होता है वैसे, तो जैसे नेशनल पार्क कहेंगे। नाउ नेचर रिजर्व्स, नेचर रिजर्व्स क्या होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप, डिजाइनेटेड एरिया टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक टाइप के या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ या काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब प्रोटेक्शन की दिया जाएगा या प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना, तो उसी को जनरली आप कहेंगे नेचर रिजर्व्स। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स और स्पेसिफिक हैबिटाट्स भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें दी हुई है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर स्पेसिफिक हैबिटाट्स हो सकते हैं। हैबिटाट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जनरली अडाप्टेशन होता है, कोई भी जीव जब कहीं पर अडाप्टेशन कर लेता है और वो उस तरीके से रहने लगता है तो वो अपने हैबिटाट भी बना लेता है। जैसे कि आप देखेंगे कि चिड़िया का हैबिटाट क्या कहलाता है, उसका घोंसला कहलाता है, राइट। वैसे ही हम लोगों का हैबिटाट क्या होता है, हमारा जो घर होता है वो हमारा हैबिटाट होता है। तो जनरली जिस एरिया में जिस टाइप के घरों में रहना सीख जाते हैं, अडाप्टेशन कर लेते हैं जीव जंतु, वो उसका हैबिटाट कहलाता है, ठीक है, उसको उसका हैबिटाट कहेंगे। नाउ पोचिंग की बात करेंगे, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोचिंग, इनलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ पर इनलीगल हंटिंग ऑफ या शिकार होगा जानवरों का, उसी को क्या कहेंगे, पोचिंग कहेंगे, इलीगल नहीं है, दैट इज वैसे पोचिंग कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। अब रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, तो रीफॉरेस्टेशन डीफॉरेस्टेड एरिया बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, जब वहाँ पर डीफॉरेस्टेड एरिया को क्या करेंगे या डीफॉरेस्टेड एरिया को क्या करेंगे, वहाँ पर जब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स होने लगेगा तो इसको क्या कहेंगे, रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन, री मतलब फिर से करना, फॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्टेशन करना, तो रीफॉरेस्टेशन ऐसा ही कहेगा, ठीक है, इस तरीके से उसको रीफॉरेस्टेशन कहा जाएगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ये वाले माइंड मैप के बारे में, अब आपको बहुत आसानी से समझ आएगा क्योंकि सारे वर्ड्स की मीनिंग आपने समझ लिए हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं फटाफट से, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपको अगर सबसे पहले मैं इस चैप्टर के पेज पर ले चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में दिया हुआ होगा। यस, ये देखिए व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, तो इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे लेकिन इसको सुपरफिशियली फटाफट देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन नेचुरल कंडीशन, जब नेचुरल कंडीशन में क्या होता है कि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जब वहाँ पर रहने लगते हैं यानी उनकी लिविंग होने लगती है नेचुरल कंडीशंस में, तो इसी को क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो यस, फिर से एक बार पढ़ता हूँ, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू व्हाट, टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन नेचुरल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन में जब वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहने लगते हैं तो उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे यहाँ पर, है ना, इनहैबिटिंग रीजन मेक अप इट्स बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो इसी को बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, इसमें फ्लोरा एंड फौना दोनों वर्ड्स इंक्लूड होंगे इसमें, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी माइंड मैप की तरफ। तो बायोडाइवर्सिटी में आपने देख लिया कि क्या दिया हुआ था, यस, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये पेज तो बेहतर होगा। यस, लाइफ फॉर्म्स ऑफ अ रीजन, एक मतलब रीजन में या फिर किसी रीजन में रहने वाले बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स को ही बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। चलिए यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस दिए हुए, कंजर्वेशन दिया हुआ है एंड थ्रेटन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस, कंजर्वेशन एंड थ्रेटन्स तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कंजर्वेशन में क्या, तो देखिए नेशनल पार्क्स के थ्रू कंजर्व किया जाता है डिफरेंट टाइप के लाइफ ऑर्गेनिज़म्स को, है ना, या ऑर्गेनिज़म्स को या प्लांट्स को,
है ना, प्लांट्स एनिमल दोनों ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। यस, यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल पार्क के थ्रू, जू एंड सेंचुरीज के थ्रू, एक्वेरिया के थ्रू, या फिर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट टाइगर, इस तरीके के कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन्स जो हो गए, है ना, ये सब बना करके कंजर्वेशन का काम किया जाता है। इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस। तो एनवायरमेंटल, मेडिकल, फूड एंड शेल्टर, है ना, एंड इकोनॉमिक, ये इंपॉर्टेंस हुए उसके। एनवायरमेंटल में आप देखेंगे जनरली तो जैसे कि ऑक्सीजन को मेंटेन, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल्स को मेंटेन करने के लिए एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें प्लांट का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेडिसिन, हाँ, हमें प्लांट से ही मिलती है जनरली, है ना, तो मेडिसिन प्लांट और कुछ टाइप के एनिमल से भी हमें मेडिसिन मिलती है। फूड एंड शेल्टर्स के लिए, यस, फूड एंड शेल्टर्स के लिए भी, खाने के लिए जंगल हमें या फिर जानवरों का मांस होता है वो भी, और शेल्टर मतलब पेड़ जो होते हैं वो शेल्टर का काम भी करते हैं, हमारा शेल्टर बनाने के लिए भी हम पेड़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इकोनॉमिक, तो यस, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, यस, ये बायोडाइवर्सिटी या डिफरेंट टाइप के प्लांट से ही मिलेंगे हमें। टिम्बर मतलब जलाऊ लकड़ी या फिर जो हमारे यूज़ वाली लकड़ी है वो सब, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेंगे भाई, फॉरेस्ट से ही मिलेंगे, तो उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है थ्रेटन के बारे में, इसको फटाफट देख लेते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना, या वल्नरेबल या अनडेंजर्ड, तो यस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब वो कोई डेंजर जोन में जब आ जाते हैं, ख़त्म होने की कगार पर जब कोई जीव जंतु होते हैं या किसी टाइप के प्लांट होते हैं तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलेंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं जैसे हैबिटेट लॉस ऑफ, लॉस और डिस्टर्बेंस, जब कोई हैबिटेट जंगलों में आग लग जाती है, अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में या फिर दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के जंगलों में अमेजोन में आग लगी थी, तो यस, क्या हुआ, बहुत सारे जीव जंतु के हैबिटेट लॉस हो गए, डिस्टर्बेंस हो गया, है ना। पोचिंग मतलब हंटिंग करना, इनलीगल हंटिंग करके कोई जीव जंतु को मार दिया जाता है। इसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जब किसी टाइप के जानवर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, हाथी के दांत निकाल कर बेच दिए जाते हैं या इस तरीके से आप देखेंगे। इसके बाद में क्लियरिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को जब काट दिया जाता है, क्लियर कर जाता है, एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर्स को बढ़ावा देने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए जब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, एक प्रकार का नुकसान ही हुआ। पॉल्यूशन, यस, जब पॉल्यूशन बढ़ाएंगे तो भी कहीं ना कहीं जीव जंतुओं को भी और पेड़ पौधों को भी नुकसान होता ही होता है पॉल्यूशन के थ्रू। यस, इस तरीके से आप ये इस चैप्टर में ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे डीप में, ठीक है। तो चलिए, ये मेरे ख्याल से काफ़ी था, बाकी इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और बहुत ध्यान से इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आपको भी करने के लिए दूंगा जो कि आपको करनी होगी, क्योंकि पुरानी बहुत सारी जानकारियों से ये चैप्टर रिलेट करता है। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।